सीन मिले हमें यहाँ पे। छोटा रास्ता है, बस एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। शॉर्ट रोड पे साइड सीन्स बहुत ही मस्त है। सो गौ माता को प्रणाम करते हुए हम लोग अभी यहाँ रुकेंगे, क्योंकि गौ माता है बीच में। सो गौ माता की जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विजय, आप देख रहे हैं विजू मोटो ब्लॉग। सो आई एम रेडी टू मूव फॉर राइड। आप देख सकते हो मैंने बैग पैक किए। अरे यहाँ मेरी फैमिली नीचे, मुझे बाइक करनी है, मेरा बेटा बेटी एंड वाइफ। सो सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी है, गाड़ी के ऊपर लोड कर दी है। अभी तो टैंक बैग यूज़ करता हूँ मैं, सैडल बैग यूज़ करता हूँ, बैकअप के लिए टेंट लिया है कहीं इमरजेंसी में लगा तो। सो चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब अवेलेबल। सो लेट्स गो गाइस। 6 दिन का टूर है तो इमोशनल फीलिंग के साथ अभी मैं निकलता हूँ। ज़्यादा टाइम रुकूँगा तो जा नहीं पाऊँगा। सो टेक केयर बेटा, जल्दी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो चलो, मैंने राइड तो प्लान कर दिखाया था, मैंने राइड पे कहाँ जाने वाला हूँ। सो अभी एग्जिट किया हूँ सोसाइटी से। सो अभी निकलते हैं चाकन से होके निकल जाएंगे हम लोग। जो मेरा फ्रेंड है वो मिलने वाला है मुझे राजगुरु नगर में। तो सो चलते हैं फ्रेंड्स, राइड का मज़ा लेते हुए हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया देखेंगे। लेट्स गो। स्टार्टिंग का निकलने में लेट हो गया हम लोग, एक्चुअली 1 घंटा लेट है हम लोग। तो ठीक है, अभी भी हाईवे पे लग है। अभी एक फ्रेंड आया मेरा श्री, हम दोनों ही हैं जा रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग जल्दी निकलते हैं 4 बजे, बट आज 5 बजे निकला हमें चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लिए, चाय लिए यहाँ पे। तो सब सेटअप से निकल रहे श्री, लेट्स गो। तो निकलते यार अभी, चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से डायरेक्ट फ्यूल भरा हुआ है अपने। तो नो इशू गाइज, लेट्स गो राइड। सो गाइज, अभी राजगुरु नगर से पहले एक टोल नाका है, तो वहाँ से हम लोग ब्रेक लेके निकल चुके हैं। हमारे दोस्त आगे निकल गए, तो चलो उनको पकड़ते हैं। सो अच्छी तरह से सारा सेटअप चेक करके हम लोगों ने अभी प्रिपेयरली निकले हैं, बट कुछ ना कुछ चीज़ें रही जाती है। सुबह सुबह अप्पा क्या खा के निकले पता नहीं, लेकिन अप्पा इसे भाग रहे हैं, मुझे पकड़ में नहीं आ रहे। देखो मेरा स्पीड क्या चल रहा है अभी, फिर भी अप्पा आगे श्री। अरे मेरे लिए रुको भाई रुको, अरे गरीब के तरस खाओ, अप्पा कहाँ भाग रहे हो? चलो उनको पकड़ दें हम लोग, ताकि ज़्यादा आगे नहीं निकल जाए, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है पकड़ने में। सो नहीं है नज़दीक। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, अप्पा क्या चल रहा है आपका? श्री ओ श्री श्री, मिल गए श्री। श्री ज़्यादा बात नहीं करते, फोटो सेशन कुछ भी नहीं करते श्री, सिर्फ साथ में घूमते हैं। उनको पसंद ही नहीं है ऐसी चीज़ें सारी, बट जो मैं करता हूँ उनके साथ एंजॉय। तो हॅलो गाईज, आम्ही ब्रेक घेतला आहे आणि आमचा ब्रेक आहे तो एका व्ह्यू साठी। सो सरप्राईज व्ह्यू आपल्यासाठी मी आणला आहे, मस्त आहे इकडे। आणि वापी इथनं 65 किलोमीटर, तर मध्ये आम्ही थोडं थांबण्याचा विचार केला आणि हा व्ह्यू नजर आला आम्हाला। तो हा ही आपल्यासाठी पण सगळ्यात पहिले, तर आम्ही तर डोळ्याने बघून घेऊ पण तुम्हाला व्हिडिओमधून दाखवेल मी। श्री चिल करता है धर्मपुर के लिए। अभी हम निकल चुके हैं धर्मपुर जाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा रास्ता मिला हमें जो शॉर्टकट है, बट जो मेन रास्ता था वह हमने छोड़ दिया, बिकॉज सामने कुछ ख़राब है बोल के बोला बंदा वहाँ पे। मैप में वही लिया था, फिर हमने चेंज करके देखे तो ये वाला शॉर्टकट लिया। घाट सेक्शन है,
बट रास्ता सही लग रहा है अभी, यहाँ तक तो सही है, छोटा है लेकिन पूरा घाट है। भाई तो आम मेरे ऊपर ही आया था डायरेक्टली, स्लो मोशन नहीं है, कुछ नहीं है। 300 मीटर स्लाइड लेफ्ट, वेयर यार, कहाँ जाएंगे लेफ्ट से? तो ठीक है, जाते हैं। क्या सीन है भाइयों, देख लो, बहुत अच्छे सीन मिले हमें यहाँ पे। छोटा रास्ता है बस एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। शॉर्ट रोड पे साइड सीन्स बहुत ही मस्त है। सो गौ माता को प्रणाम करते हुए हम लोग अभी यहाँ रुकेंगे, क्योंकि गौ माता है बीच में। सो गौ माता की जय। भाई कैमरा बंद करने का मन ही नहीं होता है ऐसे रास्तों पे। चलो डेटा जितना भी हो, सिर्फ ट्यूनिंग में मुझे डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम जाता है। लैपटॉप पे पूरे 2 घंटे जाएगा मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, फिर भी अभी हम लोग फंस गए थोड़ा सा। यहाँ पे टायर पंक्चर हुआ है मेरी गाड़ी का, तो अभी निकलना पड़ेगा। साथ में किट तो है, बट ये गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। बारिश का टाइम है बट गर्मी, वाह, निकलते हैं अभी पंक्चर। श्री की जय हो, पहला पंक्चर स्टार्ट। चलो गाइस अभी फ्लैट हो गया है टायर, तो अभी निकालते हैं पंचर किट अपना और बनाते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। गाड़ी लेता हूँ इस साइड में। दोस्तों फाइनली पंचर रिपेयर नहीं हुआ। तो मैंने ट्राई किया बहुत, बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको दूसरे बाइक पे लेके जाके ट्यूब ही चेंज करके लेके आया। यहाँ से 5 to 6 किलोमीटर पे था पंचर वाला, तो उसके पास जाके मैंने ट्यूब ही चेंज कर दिया। सो अभी बजे है 3:25, बहुत ही भाग रहे थे हम लोग, तो हमको रोक लिया पंचर ने मेरे। तो चलते रहता है, कोई नहीं। मेरे को एक दिक्कत है इसमें ना, हिमालयन में एक ही दिक्कत है, वो है पंचर का। क्योंकि ये स्पोक व्हील है, तो पंचर के लिए ट्यूब निकालो, उसको बनाओ, फिर लगाओ, तो उसके वजह से बहुत दिक्कत आती है। अगर ट्यूबलेस टायर है तो उसके अंदर सीधा सीधा ट्यूब पंचर बना सकते हैं हम लोग। मेरे पास दोनों किट है, KTM के लिए मैं KTM का पंचर हुआ तो इंस्टेंटली फटक से हो जाता था, लेकिन इसके लिए बहुत मगजमारी है। टायर खोलो, फिर टायर को ओपन करो, ट्यूब निकालो, फिर उसमें पैच लगाओ, बेकार काम है भाई, बट क्या करें, करना पड़ेगा। राइडिंग का मज़ा लेना है तो करना ही पड़ेगा। सो गाइज हम लोग फाइनली पंचर बना के निकल गए यार। बहुत गर्म हो रहा था यहाँ पे, बहुत हीट है इधर, इन पहाड़ों के अंदर फंस गया था मैं थोड़ा, बट
हो गया, पंचर का काम हो गया, तो चलेंगे अभी। ब्रेक लेते हुए हमें फ्यूल का ब्रेक लेना है यहाँ पे, क्योंकि मेरी मुझे फ्यूल की अभी ज़रूरत है, मुझे भी और मेरे गाड़ी को भी, क्योंकि ये पंचर की वजह से बहुत टायर्ड हो चुका हूँ मैं। यहाँ पे भाई के पास अभी फ्यूल फुल करेंगे। सर जी फुल कर दो, हाँ कार चलेगा ना, ठीक है कर दो फिर फुल चल। ओके सर, उसका एक फोटो लेने दो मुझे। मोबाइल में नहीं, कार्ड से पेमेंट करेंगे। नहीं मुझे इसका फोटो चाहिए, इसके वजह से। तो मैं आपको कार्ड देता हूँ सर। भाई चले गए वो। पुना तो हम अभी आए हैं धर्मापुर पे। तो यहाँ पे हमने अभी कुछ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाए। लास्ट में हमें हमारी एनर्जी मिल गई, बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे हमें कुछ खाने के लिए, बट मिला नहीं, पहाड़ी इलाका था। तो अभी चाय पियेंगे और फिर यहाँ से कल्टी मारेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक चाय है, आप इतने गए थे शूनेरी, आप शूनेरी लगे चला शूनेरी पे चाय पियेंगे अभी हम लोग। कसं वाटतं ना की आपल्या तिकडचं नाव असलं ना की वाव, असं मनामध्ये हुरूप येतो एकदम, अरे वाव शिवनेरी चहा। मी आपल्याला तुम्हाला दाखवतो शिवनेरी चहा कुठे। गुजरातमध्ये शिवनेरी चहा सो गुळाचा आहे परत, हा मस्त घेऊया शिवनेरी चहा आणि मग इथनं निघूया। आता लास्ट स्टॉप आहे आमचा सुरत, 100 किलोमीटर बाकी आहे इथनं। कंटाळा आलाय पंक्चरमुळे, खूप वैतागले आपण, चेहरा बघा कसला टायर्ड टप्पा। सो दोस्तो सूरत में पहुंच चुके हम लोग, अभी सूरत में हैं, बट हमें हजीरा जाना है बिकॉज वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ से फेरी मिलेगा मॉर्निंग को हमें।